गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, दैट इज चैप्टर ए फॉरेस्ट। इस चैप्टर में हम आज क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, सेव करना या बचाना, मीन्स कंजर्व करना। यहाँ पे किसको कंजर्व करेंगे, फॉरेस्ट को। ओवर पॉपुलेशन एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव कॉज्ड सीवियर हार्म टू द फॉरेस्ट एंड एज रिजल्ट द फॉरेस्ट कवर हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन और जो इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से हमारा फॉरेस्ट क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होता जा रहा है। क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। हर एक की रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ होना, तो जब डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की तो ट्रीज क्या होंगे, काटे जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेस्ट होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो उसको कंजर्व करना चाहिए। द हैबिटेट ऑफ सेवरल प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड लीडिंग टू देयर एक्सटिंक्शन। कुछ हैबिटेट तो इतने ज़्यादा उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है कि उनकी जो लाइफ है वो एक्सटेंट ही नहीं, मीन्स वो एक्सटेंट हो चुकी है, गायब हो चुकी है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रिफर्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, कंजर्वेशन मतलब होता है कि कंजर्व करना, और किसको कंजर्व करेंगे, फॉरेस्ट को। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द रिवर्सिबल ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये रिवर्सिबल है, रिवर्स मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो किसका उल्टा है, कंजर्वेशन पॉल्यूशन का और डिफॉरेस्टेशन का। क्योंकि पॉल्यूशन वो भी हार्मफुल चीज़ है, डिफॉरेस्टेशन वो भी हार्मफुल चीज़ है, लेकिन कंजर्वेशन ये हमारा पॉजिटिव वे में है ना, तो ये किसका रिवर्स है, ये इसको हम कंजर्वेशन बोलेंगे कि ये एक रिवर्सिबल है, किसका, डिफॉरेस्टेशन का और पॉल्यूशन का। द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द बैलेंस ऑफ आवर इकोसिस्टम। जो हमारा ये प्रिजर्वेशन है, जो हम प्रिजर्व करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारे इकोसिस्टम के लिए। अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे, ट्रीज कटते ही रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन ट्रीज रहेंगे ही नहीं, तो हमारी लाइफ कैसे सर्वाइव कर पाएगी। जिसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रिजर्व करके रखें, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम है वो बैलेंस उसमें बना रहे। द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसरी। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है कंजर्व करना फॉरेस्ट को, क्यों नहीं हम ट्रीज को कटते दें, मतलब अगर हम चाहें ट्रीज को कटने दें, क्यों उसको कंजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जो फॉरेस्ट हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी सप्लाई को मेंटेन करना। सेकेंड, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड, सॉइल इरोजन को बचाना, फ्लड को बचाना, कैसे इससे डिस्ट्रक्शन होता है ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है पहले। टू मेंटेन वाटर साइकिल इन नेचर, वाटर साइकिल को प्रिवेंट करना, और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, और क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना। अब कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, वेस्ट देखेंगे हम। कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम कंजर्व कर सकते हैं अपना फॉरेस्ट, टू कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन। कैसे, व्हाइल डिफॉरेस्टेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड कम्प्लीटली, वी मस्ट कीप चेक टू कंट्रोल इट। हाँ, डिफॉरेस्टेशन हम बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं कर सकते कि हम एक भी पेड़ नहीं कटने देंगे। अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल कुछ भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं होंगे, इंडस्ट्रीज बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही बंद कर दें, लेकिन हाँ ये है कि उसको क्या करें, अवॉइड कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो उस चीज़ को हम अवॉइड कर सके और उसको कंट्रोल में ला सकें। यंग एंड डेवलपिंग ट्रीज शुड बी कट एज फार एज पॉसिबल। जो यंग और शुड नॉट बी कट, मतलब जो यंग है, यंग प्लांट जो हमारा छोटा प्लांट है, और क्या है, जो डेवलपिंग प्लांट है, जो डेवलप कर रहा है धीरे धीरे। यंग प्लांट क्या होता है, जिसको हमने लगाया वो हमारा यंग प्लांट होता है। डेवलपिंग क्या होता है, जब प्लांट हमारा ग्रो करने लगता है, फ्रूट्स देने लगता है, लीव्स, उसकी न्यू लीव्स आने लगती है, तो हमारा डेवलपिंग हो गया, तो उसको हमें कट नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो ग्रो होके फर्दर और भी हमारा जो प्लांट है उसको रिप्रोड्यूस करेगा। और गवर्नमेंट शुड बी बैन लार्ज स्केल ऑफ कमर्शियल डिफॉरेस्टेशन। गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए जो लार्ज नंबर पे हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको। सेकेंड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर। हमें फायर से प्रोटेक्ट करना चाहिए, किसको, फॉरेस्ट बर्न है तो फॉरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करेंगे। फॉरेस्ट फायर आर द मोस्ट कॉमन एंड डेडली कॉज ऑफ लॉस फॉरेस्ट। जो हमारा फॉरेस्ट लॉस हो रहा है किसकी वजह से, ये क्योंकि फायर जब लगता है फॉरेस्ट में तो बहुत लार्ज एरिया वो कवर कर लेता है, मतलब हमारा फॉरेस्ट लार्ज एरिया, लार्ज एक्सटेंट तक वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और मेकिंग फायर लेन, स्प्रेडिंग केमिकल्स टू कंट्रोल फायर,
क्लियरिंग और ड्राई लीव एंट्री कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग द फायर, इन सब चीज़ों से हम फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मतलब ट्रीज का वहाँ से कट जाना, काट देना, वो हम बोल मतलब लॉस ऑफ ट्रीज, वो हो गया डिफॉरेस्टेशन। अब एफॉरेस्टेशन क्या है? दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व प्लांटिंग मोर ट्रीज इन द एरिया टू मेक फॉर द ट्रीज लॉस्ट फॉर आर यूज। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है ट्रीज का लॉस हो जाना, ठीक। एक एरिया है वहाँ पर ट्रीज को काट दिया गया, तो वो एरिया जो है वहाँ पर अब ट्रीज नहीं है, तो किसका लॉस हुआ? ट्रीज का। लेकिन अगर उसी एरिया में हम जाकर प्लांट लगा दें तो हम लॉस हमारा कवर हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एफॉरेस्टेशन। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो चुका हो, ठीक है, लॉस हमारा हो गया किसका? ट्रीज का। लेकिन हम जाकर वहाँ न्यू प्लांट लगा दें तो उसको हम बोलेंगे एफॉरेस्टेशन। नाउ बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, और हम क्या कर सकते हैं? जो हमारी फार्मिंग है उसको हम और अच्छे तरीके से बेटर वे में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। इसमें क्या होगा? ओवरग्रेजिंग बाय कैटल, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आर ऑल फार्मिंग प्रैक्टिसेस दैट आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट एंड पर्टिकुलरली टू द फॉरेस्ट। ये सारी चीज़ें हमारे फॉरेस्ट के लिए हार्मफुल है। दिस शुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल। ये सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोल में हमें रखना है, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेस्ट है वो कंजर्व रहे। अब यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है। केस स्टडी के पहले एक वर्ड यहाँ पे आया है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। ये क्या होता है? इसमें ये होता है कि मेथड ऑफ फार्मिंग दैट इन्वॉल्व क्लियरिंग लैंड एंड बाय डिस्ट्रॉइंग द बर्निंग ऑफ ऑल ट्रीज एंड प्लांट ऑन देम। ऐसा लैंड जहाँ पे ट्रीज प्लांट को डिस्ट्रॉय हो गया हो, किससे? बर्निंग की वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे? स्लैश और बर्निंग फार्मिंग, बर्न फार्मिंग। यहाँ पे केस स्टडी दी गई है ऑन पेज नंबर 112 इन फेब 2016। ये 2016 का इंसिडेंट है। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। अ फॉरेस्ट फायर ब्रोक इन उत्तराखंड। इंसिडेंट का नाम क्या है? फॉरेस्ट फायर, मतलब वहाँ पे जंगल में आग लग गई थी। दैट लास्टेड, ये उत्तराखंड कहाँ है? इंडिया में है। दैट लास्टेड फॉर 3 months डिस्ट्रॉइंग लार्ज स्ट्रेच ऑफ फॉरेस्ट लैंड। ये कब तक लास्टेड हुआ था? 3 months डिस्ट्रॉइंग लार्ज स्ट्रेच ऑफ फॉरेस्ट लैंड। वाइल्ड टिम्बर स्मगलर were accused of setting the forest on fire. There were also called some natural reason that led the forest to catch fire. जिसकी वजह से फॉरेस्ट में क्या लग गई थी? फायर कॉज हो गई थी। और ड्राई वेदर इन वेरी हाई टेम्परेचर एंड विंडी कंडीशन फैन्ड द फायर हेल्प इट टू स्प्रेड। ड्राई वेदर की वजह से और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से फायर जो है वो लगता ही गया फॉरेस्ट में। द रेंजिंग फायर डिस्ट्रॉयड नियरली 3000 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट कवर। अब ये जो फायर लगी हुई थी वो कितना इसने एरिया कवर कर लिया था? 3000 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट। इतना ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। द फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड हैव सीवियरली अफेक्टेड द वाइल्ड लाइफ रिजर्व अक्रॉस द स्टेट। और इसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व है वो भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इन द सेम ईयर, उसी ईयर में और क्या हुआ था? 1200 केसेस ऑफ फायर वर ऑल्सो डिटेक्टेड टू अदर प्लेसेस। और 1200 केसेस और मिले थे उसी ईयर में, लेकिन दूसरे प्लेसेस पे। अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पौरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी एंड उत्तरकाशी वर डिक्लेयर द वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज। ये सारे जो एरिया हैं इनको क्या डिक्लेयर किया गया था? वर्स्ट इफेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया था। सो हियर हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आपका सिलेबस भी क्लास 7 का यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो यू में आस्क फर्दर। ओके।